हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मानसी कलेक्शन पे। तो आज के इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, आंवला फ्राई। ये रेसिपी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपको 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है, इसके बाद 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सरसों के दाने और अजवाइन 1 चम्मच और 1 चम्मच मेथी दाना, साथ के साथ सौंफ 1 चम्मच और 1/2 टीस्पून हींग। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से सौते कर लेंगे और इसको लो फ्लेम पे क्रैकल होने देंगे। अब इसमें डालेंगे स्लाइस की हुई हरी मिर्च 4 से 5 और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ आंवला। आंवला को मैंने वॉश कर लिया था और इनको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो मसाला है वो अच्छे से आंवला के पीसेस पे लग जाए। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच सूखा धनिया और इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट के बाद मैं कवर को रिमूव कर रही हूँ और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया है। और 1/2 चम्मच चीनी का इस पे ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए फिर से इसको कवर करना है। तो आंवला फ्राई बनकर तैयार है। यकीन मानिए ये बहुत ही चटपटी रेसिपी है। एक बार आप इसको बनाएंगे आपका बार बार बनाने का दिल करेगा। इस रेसिपी को आप चपाती, पराठा, राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वाकई में बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।